बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से जुड़ी अक्सर ही अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी रहा जब एक्ट्रेस पर राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने राज कुंद्रा की शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। दरअसल शिल्पा को जब राज से प्यार हुआ तो वो शादीशुदा थी। हालांकि बाद में राज कुंद्रा की पत्नी कविता ने इसके लिए माफी मांग ली। राज ने पहले कविता को तलाक दिया पर शिल्पा के साथ शादी के बंधन में बंधे। लेकिन इसके अलावा भी शिल्पा शेट्टी कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुकी है। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए शिल्पा से जुड़ी इन्हीं कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। इस लिस्ट में नंबर वन पर बात करते हैं दोस्तों, सेलिब्रिटी रियलिटी शो बिग ब्रदर 5 के दौरान शिल्पा शेट्टी पर जेड गुड्डी ने कथित रूप से नस्लीय टिप्पणी की थी। जब ये खबर सामने आई तो दुनिया भर में जेड गुड्डी की आलोचना हुई। इधर पूरे विश्व की सहानुभूति शिल्पा को मिली। इसका नतीजा ये निकला कि शिल्पा ने ये रियलिटी शो जीत लिया। इसके बाद तो शिल्पा के सितारे ही बदल गए। इसके बाद शिल्पा इंडियन टीवी पर भी छा गई, लेकिन उन पर नस्लीय टिप्पणी करने का ये कॉन्ट्रोवर्शियल किस्सा काफी ज्यादा फेमस हुआ और शिल्पा काफी वक्त तक लाइमलाइट का हिस्सा बनी रही। इस लिस्ट में नंबर दो पर बात करते हैं शिल्पा की कंट्रोवर्सी की, तो वो ये रही कि साल 2007 में एड्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जब शिल्पा एक कार्यक्रम में पहुंची जहां हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर ने शिल्पा शेट्टी को सबके सामने स्टेज पर किस कर लिया। इसके बाद शिल्पा विवादों में घिर गई। लोगों ने आपत्ति जताई कि एक विदेशी कलाकार कैसे स्टेज पर एक भारतीय अभिनेत्री को किस कर सकता है। इसके बाद शिल्पा ने सफाई दी कि सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि शिल्पा को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और उस वक्त इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस लिस्ट में नंबर तीन पर शिल्पा की कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो रही शिल्पा शेट्टी पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लग चुका है। साल 2006 में मदुरई की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया। दरअसल शिल्पा ने एक तमिल मैगजीन के कवर पेज के लिए हॉट फोटो शूट कराया था। इसी को लेकर बाद में कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी। हालांकि शिल्पा ने कोर्ट में अपने पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। शिल्पा ने साफ कर दिया था कि उन्होंने कोई बोल्ड फोटोशूट नहीं कराया है। इस लिस्ट में नंबर चार पर शिल्पा की कंट्रोवर्सी रही जब शिल्पा एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मंदिर गई थी, जहां वो चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर चली गई, जिसका लोगों ने विरोध किया था और उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई थी। लेकिन शिल्पा का कहना था कि उन्होंने मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर एंट्री नहीं की। इसके बाद शिल्पा शेट्टी की तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें मंदिर का पुजारी शिल्पा शेट्टी को किस करते हुए दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर किसी ने शिल्पा शेट्टी की ओर उंगली उठाई थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने लोगों को करारा जवाब दिया था और कहा था कि क्या एक बाप अपनी बेटी को किस नहीं कर सकता, जो आप हमेशा देखते हैं वो सच नहीं होता। इस लिस्ट में एक्ट्रेस की आखिरी कंट्रोवर्सी रही जब 90 के दशक में शिल्पा शेट्टी का नाम बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार से जुड़ा। अक्षय से शिल्पा की पहली मुलाकात हुई थी 1994 में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पर। 1997 में फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्म धड़कन में अक्षय और शिल्पा के एक साथ काम करने की वजह से ये खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में आई कि शिल्पा अक्षय से शादी करने वाली है और दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं। लेकिन जब एक मैगजीन ने इस बारे में छापा तो शिल्पा इतनी नाराज हुई कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस तक कर दिया था और शिल्पा के इस कंट्रोवर्सी ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वेल दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के इन सभी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और शिल्पा शेट्टी की कौन सी फिल्म अब तक की आपकी सबसे बेस्ट फिल्म रही और इन कंट्रोवर्सीज के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।